कुमाऊं की पहाड़ियों पर बसा एक छोटा सा शहर नैनीताल बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। नैनीताल का जीवन चक्र नैनी झील के इर्द गिर्द घूमता है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच शांत नैनी झील, लगने लगा है नैनीताल के प्राण, नैनी झील की सांसें नौकाओं के रूप में चल रही हैं। पौराणिक दंत कथा के मुताबिक भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी की मृत्यु से बेहद आहत हुए थे और इसी दुख में वो जहां भी गए पार्वती जी का शव अपने साथ लेकर गए। उसी दौरान पार्वती जी के शरीर के कई अंग धरती पर गिरते गए। उनकी एक आंख शिवालिक की पहाड़ियों में आ गिरी, जिससे एक बड़ी झील का निर्माण हुआ जो अब नैनी लेक के नाम से जानी जाती है। सप्त शिखरों से घिरी है नैनी झील। इन सात पहाड़ियों को सप्त शृंग कहा जाता है। सप्त शृंग के अंतर्गत आने वाले सात शिखर हैं शेर का डांडा, लरिया काटा, अलमा, नैना, डियो पाटा, हांडी बांडी और अयार पाटा। झील के दाईं ओर दूसरी सबसे कम ऊंचाई पर है शेर का डांडा, जो नैनी झील से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2217 मीटर है। इसी चोटी पर बना है उत्तराखंड का एकमात्र चिड़ियाघर भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत हाई ऑल्टीट्यूड जू नैनीताल। शेर का डांडा चोटी पर जाने के लिए 2 किलोमीटर का मोटर मार्ग है। उसके आगे की यात्रा तय करने के लिए पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। इस चोटी से जब नीचे की ओर देखा जाए तो नैनीताल का मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। यहां से 1888 में बना सेंट जोसेफ कॉलेज और ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान बनाए गए फ्लैट्स और विलाज के अलावा सब श्रृंग की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक भी दिखाई देती है। साथ ही ऊंट की पीठ के आकार की पहाड़ी कैमल्स बैक और अल्मा पीक के अद्भुत दृश्य मन को मोह लेते हैं। सब श्रृंग के अंतर्गत आने वाली दूसरी चोटी है लरिया कांटा। नैनी झील से इसकी ऊंचाई लगभग 5.5 किलोमीटर है। ये चोटी नैनीताल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से 2481 मीटर ऊंची है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इस पहाड़ी पर किसी देवी का वास था, जिन्हें लोग भूल चुके थे। उन्हीं की स्मृति में इस चोटी को लरिया कांटा नाम दिया गया और इस पर एक मंदिर का निर्माण हुआ। लरिया कांटा की ऊंचाई को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने यहां पर वायरलेस एयरबेस बनाया, जिसके कारण यहां पर आम लोगों का आना जाना मना है। वायुसेना ने यहां पर एक हेलीपैड भी बनाया हुआ है। इस चोटी पर पहुंचने के लिए चीड़ के जंगलों से होकर पथरीली चट्टानों को पार करना पड़ता है। ये रास्ता बहुत ही जोखिम भरा है और खाई में गिरने के डर से आम तौर पर यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ से नैनीताल के हैरान कर देने वाले घने जंगल और कुमाऊं की पहाड़ियों का नजारा भी लिया जा सकता है। सप्त श्रृंग की दूसरी सबसे ऊंची इस चोटी से जब नीचे की ओर पहाड़ी रास्तों पर चल रही गाड़ियों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जमीन पर चींटियां रेंग रही हो। इस चोटी से उत्तर की ओर बढ़ा जाए
तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है सब श्रृंग के अंतर्गत आने वाली तीसरी चोटी अल्मा पीक, जिसे आज स्नो व्यू भी कहा जाता है। स्नो व्यू एक पिकनिक स्पॉट है जहां पहले राजभवन हुआ करता था, लेकिन इस पहाड़ी के भूस्खलन संभावित क्षेत्र होने के कारण सन 1900 में राजभवन का निर्माण अयारपाटा की पहाड़ियों पर किया गया, जो इंग्लैंड में मौजूद बकिंगम पैलेस का प्रारूप है, और पुराने राजभवन को एक होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया। नैनी झील से स्नो व्यू की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2,270 मीटर है। यहाँ पहुंचने का सबसे आसान तरीका है एरियल रोप वे। रोपवे के अलावा यहां पद यात्रा करके या फिर मोटर मार्ग से भी आया जा सकता है। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान बनाया गया अल्मा हाउस अभी भी खंडहर के रूप में यहां मौजूद है। इस चोटी की खासियत यह है कि यहां से हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों का नजारा विशालकाय दूरबीन की मदद से लिया जा सकता है। यही वजह है कि इसे स्नो व्यू का नाम दिया गया। स्नो व्यू से नैनी झील की सुंदरता देखते ही बनती है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक, जिसे पहले चीना पीक भी कहा जाता था। पहले यहां से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई देती थी, जिस वजह से इसे चीना पीक कहा जाता था, लेकिन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के बाद से इसका नाम चीना पीक से बदलकर नैना पीक कर दिया गया। समुद्र तल से इस चोटी की ऊंचाई 2,622 मीटर है। नैना पीक पहुंचने के लिए शहर से 3 किलोमीटर का मोटर मार्ग है और 3 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई तय करनी पड़ती है। जंगलों से घिरे इस पथरीले रास्ते से गुजरते हुए उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांच के पेड़ भी दिखाई देते हैं। चोटी पर पहुंचते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं चीना बाबा मंदिर के। मंदिर के ठीक सामने नैनीताल वन प्रभाग का वायरलेस रेंज स्थापित है। वायरलेस रेंज से एक पगडंडी शिखर के आखिरी छोर तक ले जाती है और पहाड़ी के इस आखिरी छोर को ही कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक के नाम से जाना जाता है। यहां से नैनीताल शहर का पूरा नजारा दिखाई देता है। ऐसा नजारा किसी और चोटी से देख पाना मुमकिन नहीं है। सप्तश्रृंग की तीसरी सबसे ऊंची चोटी डियोपाटा, जिसे इसके आकार के कारण कैमल्स बैक भी कहा जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2,435 मीटर है। ये नैनी झील से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है नैनीताल का पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट। यहीं से शुरू होती है कैमल्स बैक की 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, जिसे पैदल ही पार करना पड़ता है। यहां से नैनी झील काफी दूर नजर आती है। इस ऊंचाई से भी नैना पीक की ऊंचाई देखते ही बनती है। यहां से अल्मा पीक और लरिया कांटा पीक भी दिखाई देती है। सप्तश्रृंग की सबसे छोटी पहाड़ी हांडी बांडी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2,139 मीटर है। ये 12 पत्थर से 1 किलोमीटर और नैनी झील से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हांडी बांडी पहुंचकर इसकी चोटी तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पैदल पार करनी पड़ती है। यहां पर दैत्य हंसी की गूंज भी सुनाई देती है, जिसके कारण इसका नाम हांडी बांडी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि अभी भी यहां पर वो गूंज सुनाई देती है।
अयारपाटा की चोटी के इतिहास में भी एक दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान डोरोथी कैलेट इस चोटी पर चित्रकारी करने आया करती थी। डोरोथी की मृत्यु के बाद उनके पति ने उनकी स्मृति में इस चोटी पर डोरोथी सीट की स्थापना की। इसी के बाद से इस चोटी का नाम डोरोथी सीट पड़ गया। डोरोथी सीट एक पिकनिक स्पॉट है और इसीलिए इसे टिफिन टॉप भी कहते हैं। यहाँ पर लोग अक्सर पिकनिक मनाने आया करते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2290 मीटर है। ये नैनी झील से 4.5 किलोमीटर और बारा पत्थर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ज्यादातर लोग यहाँ घुड़सवारी कर आते हैं और यहाँ आने के लिए ट्रैकिंग का भी मजा लिया जाता है। टिफिन टॉप पहुँचने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ जंगली जानवरों के आने का डर बना रहता है। टिफिन टॉप से शेर का डांडा पीक पर बना चिड़िया घर साफ दिखाई देता है। इसी चोटी से कुमाऊं हिल्स की पूरी रेंज दिखाई देती है। यहाँ से चारों ओर के आकर्षक स्थलों का मजा लिया जा सकता है और यहीं से दृष्टि पड़ती है सन 1900 में बने गॉथिक वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण राजभवन पर। इसके सामने दृष्टि पड़ती है सन 1888 में स्थापित सेंट जोसेफ कॉलेज के भव्य परिसर में। यहाँ से ठीक नीचे की ओर देखें तो दिखाई देता है विश्व प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान शेरवुड। इस खूबसूरत पहाड़ी पर रॉक क्लाइंबिंग का मजा भी लिया जाता है। सप्तश्रृंग की विशालकाय 7 पहाड़ियों से घिरी नैनी झील एक अद्भुत नव के समान दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये 7 पहाड़ियां प्रकृति के इस नायाब तोहफे की रक्षा कर रही हों।